सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो हमने कुछ सेट लिखवाए हैं, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट हैं JS पब्लिकेशन ने हमारे लिए लिखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छे सेट हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये पहला जो मॉडल पेपर है इसका ही दे चुका था, ठीक है। तो ये बाकी भी हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें 10 मॉडल पेपर हैं पूरी तरीके से JS के लिए। तो थीसिस क्वेश्चन जो कि कंपलसरी पेपर है एक, तो आप इसके लिए जो है इसको मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप जैसा कि मुझे फॉलो करते ही हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट रखी गई है वो 29 रुपीज़, यानी कि 29 रुपये रखी गई है, जो मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 15-15 सेट की जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं देख रहा था 115-105 रुपये में जो है मिल रही थी, और उसमें क्वालिटी भी बस इसी तरीके की, मतलब कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं 29 रुपये में। बहुत अच्छी जो ये प्रैक्टिस सेट लिखे गए हैं JS की तरफ से, इन्होंने ऑलरेडी पहले ही 2 बुक लिख चुकी हैं, मैंने आपको बताया है, जो कि समीक्षा अधिकारी के लिए लिखी गई थी, तो काफ़ी अच्छी बुक थी वो भी, ठीक है। तो आप इस पे जो है 29 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है मैंने आगे बता रखा है। इसके अलावा इसमें जो फ्री आपको दिया जा रहा है वो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। करंट अफेयर्स का है समय के घटनाक्रम, जिसमें कि 100 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बल्कि और एग्ज़ामों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, हमारे जो मैंने बता रखा है किस मेथड से इसको पेटीएम के द्वारा आपको पेमेंट करना है 29 रुपये का, तो मैंने आपको आगे बता रखा है। तो आप इसको देख लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, आपको ये 20 तारीख तक जो है हर हाल में डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी, मैंने उनको सेंड कर दिया है। अगर आप लोगों में से किसी कोई ऐसा है जिसने पेमेंट कर रखा है लेकिन उसको ये नहीं मिला, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने, हम लोगों ने सबका सब नोट कर रखा है, तो लगभग सारे बच्चों को हमने ये भेज दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस क्विज़ को मंगा सकते हैं, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले तो आप अपना पेटीएम ऐप खोल लेंगे। जब आप अपना पेटीएम ऐप खोलेंगे तो इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर जहाँ पर मैं देख रहा, आपको निशान दिख रहा होगा, पे लिखा हुआ है। इस पे के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जिसमें स्कैन QR कोड। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है मोबाइल नंबर के ऊपर। मोबाइल नंबर के ऊपर जब मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगने लगेगा, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, जिस मोबाइल पर आपको, जिस नंबर पर आपको ये पैसा सेंड करना है वो जो नंबर है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये जो नंबर है 7518458329, इस पर आपको पैसा जो है पेमेंट करना है। पेमेंट जो है वो 29 रुपीज़ है, तो आपको 29 रुपीज़ जो है यहाँ पर डाल देने हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डालना है JS, ठीक है, JS डालना है, और JS देने के बाद आपको GS लिख देना है, ठीक है, JS GS, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट डाल दीजिए, और आप जिस भी नंबर पे ये मंगाना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे आप इसको अपने व्हाट्सअप नंबर पे मंगाना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर जो हमको का होगा वो डाल के इस ब्रैकेट को बंद कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप के अलावा अगर आपको किसी और चीज़ पे ये चाहिए, जैसे कि आपको अगर अपनी ईमेल आईडी पे चाहिए, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप जो है ब्रैकेट को वापस इसी तरीके से बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आपको कुल मिला के, अगर आप मोबाइल नंबर पे मांगना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी पे चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे, ठीक है। और जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। 29 रुपीज़ जो है हमारे अकाउंट में कन्फर्म करके यहाँ पर 29 रुपीज़ कर दीजिए, और जो 29 रुपीज़ हैं वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे,